पटना से हम चले थे और फाइनली हमारा बस 4:30 बजे यहाँ से चलते हैं, दिल्ली 1 से 2 बजे के बीच में पहुँच जाते हैं। वोल्वो की बस हो और ऊपर से अगर आपको स्लीपर मिल जाए, अब कहीं रोड उड है, जाम उम रहा तो थोड़ा लेट होता है, लेकिन ऐसे टाइमिंग वही है। फैजाबाद टोल टैक्स पे अभी हम लोग हैं और हमारी बस की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं पीछे लगी हुई है बस। 1, 2, 3, 4 फोर पीसेज में ये काटे हुए हैं और इस पे बटर लगाया हुआ है। मैंने जो पराठा खाया वो किसने बनाया, मैं उनसे मिलाता हूँ आपको। आप देखिए, ये रोशन जी हैं, उत्तराखंड से हैं, बाकी आप इनसे खुद जानिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। आज हम फिर से आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं और आज हम जिस बस की बात करेंगे वो बस पटना से दिल्ली के लिए चलती है और आज मैं उस बस में सफ़र करूंगा। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर का डिमांड रहा है कि मैं पटना से दिल्ली स्लीपर बस का वीडियो दिखाऊं, तो मैं आ गया हूं आज पटना बाकीपुर बस स्टैंड में और आप देख सकते हैं मेरी जो बस है वहां पे लगी हुई है, वो BSRTC की वोल्वो की बस है जो कि पटना से दिल्ली जाती है। टाइमिंग की बात करें तो बस लगभग 4:30 बजे के करीब में खुलती है और पहुँचने का टाइमिंग लगभग उसका 12 बजे के करीब है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं हम आपको इस वोल्वो बस की सफ़र पटना से दिल्ली का। सफ़र का मज़ा लेने के लिए आप मेरे साथ वर्चुअली जुड़ जाइए और चलिए सफ़र का मेरे साथ मज़ा लीजिए। चलते हैं वोल्वो बस के अंदर। चलेगा थोड़ा सा, ये है 15 नंबर सीट और मेरा बैग वहाँ पे रखा गया है। अभी मैं बस के अंदर आके बैठ गया हूँ और यहाँ से बस अभी खुलने वाली है। ये कारगिल चौक का गोलंबर, सीट पे अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मोबाइल होल्डर है और ऊपर में यहाँ पे एसी बैंड है, ये रीडिंग लाइट है और उसके बाद में हम बात करेंगे तो दूसरा एसी बैंड यहाँ पे है और यहाँ पे आपको मोबाइल चार्जर है। तो बस तो यहाँ से टाइमली खुल चुकी है। वोल्वो की बस हो और ऊपर से अगर आपको स्लीपर मिल जाए तो सफ़र का जो मज़ा है ना वो दोगुना हो जाता है। तो अभी हम लोग पटना गंगा, आप देख रहे हैं गंगा सेतु क्रॉस कर चुके हैं और हमारे साथ हैं ये अमित जी, ये बस के कंडक्टर हैं। तो इनसे आप जानिए कि ये बस का स्टॉपेज कहाँ है, कहाँ है और कब ये दिल्ली पहुँचती है, आनंद विहार पहुँचती है ना? हाँ, आनंद विहार कौसाम्बी, कौसाम्बी बिहार के बगल में कौसाम्बी एक जगह है, वहीं हम लोग जाते हैं। तो इसका रूट एक बार बता दीजिए। बस यहाँ से खुलती है हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, पिपरा कोठी, मोतिहारी जाना पड़ता है, हम लोग का गवर्नमेंट डिपो है, मोतिहारी जाते हैं, मोतिहारी से फिर वापस पिपरा कोठी, गोपालगंज, गोपालगंज होते हुए कुशीनगर के रास्ते गोरखपुर चले जाते हैं, गोरखपुर से लखनऊ, लखनऊ में हम स्टॉपेज देते हैं, फ्रेश व्रेश सुबह में करवाते हैं 4 बजे सुबह में,
और वहाँ से फिर आगरा चलते हैं, एक्सप्रेस वे से पूरा जाते हैं, बस स्टैंड में हम कहीं नहीं जाते, हाईवे हाईवे जाते हैं, हाईवे नहीं निकलते। हाँ हाँ बस हाईवे। और उसके बाद आगरा में नाश्ता करवाते हैं, ब्रेकफास्ट वहाँ होता है सबका, फिर सीधे दिल्ली में ही स्टॉपेज कर देते हैं कौसाम्बी में। हाँ कौसाम्बी। तो अगर हम बस स्टैंड की बात करें तो एक साइड कौसाम्बी है और दूसरी साइड आनंद विहार है। अच्छा एक बात और है, आप लोग मतलब ये बस में क्या क्या देते हैं, कुछ देते हैं? बस में वाटर बोतल देते हैं, एक एक सबको देते हैं, वाईफाई है, बेडशीट है, पीलो है, पर्दा है, सब लगा हुआ रहता है बस में। और टिकट की अगर हम बात करें तो टिकट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन भी ले सकते हैं। हाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होते हैं, दोनों टिकट ले सकते हैं। हाँ अगर अगर आपके थ्रू अगर कोई टिकट लेना हो तो फिर कैसे ले सकता है, आपको कोई नंबर उम्बर हो तो? हाँ हम लोग अपना मोबाइल नंबर टिकट पर देते हैं लिख के, कोई कोई होते हैं कि अपना नंबर सेव रखते हैं, हमारे थ्रू लेंगे या ऑनलाइन लेंगे या काउंटर पर लेंगे टिकट का प्राइस सेम ही होगा। सेम ही होगा। तो कोई नंबर हो तो आप बता सकते हैं अभी? नंबर मेरा है 8292062554। कितना सारा जाम फंस गया है ना। हमारा बस 4:30 बजे यहाँ से चलते हैं, दिल्ली 1 से 2 बजे के बीच में पहुँच जाते हैं। अब कहीं रोड उड है, जाम उम रहा तो थोड़ा लेट होता है, लेकिन ऐसे टाइमिंग वही है। पिछली बार मैं गर्मी में आया हुआ था तो इतना धुंध नहीं था जो कुहासा होता है, अभी थोड़ा सा कुहासा है ना। और इस बस का मैंने रिव्यू पहले ही दे चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों का कमेंट आया हुआ था कि आप उसमें एक सफ़र करके उसका रिव्यू दीजिए। तो आज हम चल रहे हैं पटना से दिल्ली। आप मेरे सामने देख सकते हैं एक ड्राइवर दादा गाड़ी चला रहे हैं, तो आइए हम इसे कुछ जानते हैं। दादा ये बताइए, ये गोरखपुर और लखनऊ एक्सप्रेस वे है, इसकी डिस्टेंस कितनी है? गोरखपुर लखनऊ का 350 किलोमीटर है। और लखनऊ हम लोग कब तक पहुंच जाएंगे? 5:30 से 6 के बीच में है ना। और एक बात और बताइए, आप वोल्वो में ड्राइविंग लगभग कितने दिन से कर रहे हैं आप? 2011 दिसंबर से। और ट्रेनिंग आपने कहाँ से लिया था? बैंगलोर से। अच्छा अच्छा क्या स्केनिया मल्टी? हाँ अच्छा स्केनिया मल्टी और वोल्वो, तो दोनों की ट्रेनिंग एक ही जगह से मिलती है क्या आपको? प्लांट दोनों एक ही जगह है। 40 से 50 किलोमीटर का फर्क है, स्केनिया का आगे है प्लांट, स्केनिया का पड़ता है नरसिंहपुरा। अच्छा और वोल्वो का पहले पड़ता है। तो आपने मतलब दोनों अलग अलग से लिया है, तो ट्रेनिंग कितने कितने दिनों की होती है लगभग? ट्रेनिंग 5 दिन की होती है। 5 दिन की, वोल्वो की 5 दिन की और स्केनिया के भी 5 दिन की। तो ट्रेनिंग के लिए क्राइटेरिया क्या क्या है, क्या क्या होगा तो आप जाके ट्रेनिंग दे सकते हैं? 5 साल पुराना DL होना। अच्छा 5 साल पुराना DL और हाई स्कूल या इंटर की मैट्रिक, स्कूल और इंटर की मैट्रिक होनी चाहिए, मतलब आपकी मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए और 5 साल की ड्राइविंग लाइसेंस। तो जाके वहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हैं ना, 5 दिन की ट्रेनिंग ले सकते हैं। सबसे पहले आँखों का टेस्ट होगा। आँखों का टेस्ट? अच्छा वही तो पूछ रहे हैं क्या क्या उसमें होगा, आँखों की टेस्ट भी होगी? अच्छा आँख का टेस्ट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट और 5 साल का ड्राइविंग लाइसेंस, तब आप जाके टेस्ट दे सकते हैं। उसमें कुछ पैसे भी लगते हैं क्या? वो तो जो ओनर है वही कराते हैं, उनके थ्रू। अच्छा जो ओनर है उनके थ्रू, तो आप किन के थ्रू जाके किए थे? मैं तो कंपनी थी चांद ग्लोबल, उसके तो चांद ग्लोबल की वोल्वो चलती थी। कार्ड गोदाम। अच्छा वोल्वो कार्ड गोदाम के लिए वोल्वो जाती थी, कार्ड गोदाम दिल्ली। अच्छा आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना रहा गाड़ी का, वोल्वो प्लस जो बाकी गाड़ियाँ चलाते थे? वोल्वो एक है ब्रांड है। नहीं वोल्वो में आप लगभग 11 से बोल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है वोल्वो में 10-11 साल से गाड़ी चला रहे हैं आप। हाँ
और वोल्वो के अलावा और कितने, मैंने आपको टोटल एक्सपीरियंस कितना है गाड़ी चलाने का? कब से गाड़ी चला रहे हैं? ये तो कई साल हो गए, 24 साल हो गए। 24 साल से गाड़ी चला रहे हैं? देखिए ड्राइवर दादा का कहना है 24 साल से गाड़ी चला रहे हैं, जिसमें से ये 10 से ऊपर तो वोल्वो ही चला रहे हैं, है ना? वोल्वो स्कैनिया दोनों। अभी आपने देखा, अभी नाइट है अभी, तो मैंने ड्राइवर दादा से बहुत सारे सवाल किए, उन्होंने जवाब भी दिया आपके सामने। उन्होंने बोला कि वो लगभग 20-25 साल से गाड़ी चला रहे हैं, और वोल्वो की अगर हम बात करें तो वोल्वो भी वो लगभग मतलब 10 साल से ज़्यादा हुआ उनको चलाते हुए। तो ये था उनका कहना। और ट्रेनिंग, उन्होंने ट्रेनिंग की अगर बात करें तो बेंगलोर से ट्रेनिंग लिए हैं, स्कैनिया और वोल्वो दोनों की ट्रेनिंग ली है। तो अभी हम लोग का नाइट सफ़र है, चल रहा है, सुबह में लखनऊ पहुँचेंगे। तो चलिए हम सीधे आपसे लखनऊ में मुलाकात करते हैं। फैजाबाद टोल टैक्स पे अभी हम लोग हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारी जो BSRTC गाड़ी वहाँ लगी हुई है, और ड्राइवर दादा चाय पीने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग चाय पियेंगे और फिर यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइवर दादा चाय लेके चल रहे हैं। इनका कहना ये है कि हम बस में ही बैठ के चाय पी लेंगे। अभी हम लोग लखनऊ में पहुंचे हैं और सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं, और यहाँ पे सारे लोग फ्रेश हो रहे हैं। फिर यहाँ से हम यहाँ से चलेंगे और आगरा में रुकेंगे। हमारी गाड़ी यहीं पे रुकी हुई थी, और यहाँ से सब लोग फ्रेश हो के बैठ चुके हैं, और गाड़ी खुल गई यहाँ से। ये जो हमारी बस है वो लखनऊ में रुकी हुई थी, और लखनऊ में लगभग हम लोग 6 बजे के करीब में पहुँच रहे थे। स्टॉपेज की बात करें तो लगभग 20 मिनट का यहाँ पे स्टॉपेज है, और सारे लोग यहाँ पे फ्रेश हुए हैं, मैं भी यहाँ पे फ्रेश हो गया हूँ, और गाड़ी अब यहाँ से चल चुकी है। अब यहाँ से इसका स्टॉपेज आगरा में है। अभी हम लोग लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे जा रहे हैं, और सन राइजिंग का नज़ारा देखिए। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं, और इस एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करेंगे तो ये यूपी का सेकंड लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे है, और इसकी डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये लगभग 302 किलोमीटर की इसकी डिस्टेंस है। और सबसे जो बड़ा एक्सप्रेसवे है यूपी का वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, और उसकी डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो लगभग 325 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसका। और अगर हम भारत का सबसे पहला एक्सप्रेसवे की बात करें तो मुंबई और पुणे एक्सप्रेसवे है, जिसकी लेंथ लगभग 95 किलोमीटर है। और आप देख सकते हैं मेरे बगल में ड्राइवर दादा बैठे हुए हैं, ये पटना से गाड़ी लेकर चले हुए थे, और फिर रात में एक दूसरे ड्राइवर दादा थे वो चला रहे थे, अभी फिर ये चला रहे हैं। और इधर मेरे बगल में आप देख सकते हैं ये अमित भाई हैं, ये बस के कंडक्टर हैं, और ये तो कंटिन्यू यहाँ पे बैठे हुए हैं। रात में थोड़ा देर के लिए सोए हुए थे, हम लोग भी थोड़ा सा सो गए थे, और रात में हम लोगों ने बहुत सारे स्टॉपेज को स्किप किया था, जिसमें हम लोग मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, उसके बाद में कुशीनगर था, गोपालगंज था, और हम लोगों ने फिर गोरखपुर को भी स्किप मार दिया था। लखनऊ में थोड़ा सा आपको मैंने दिखाया था, लखनऊ में हम लोग 6 बजे के करीब में पहुँचे थे। तो ये है हम लोग का सफ़र। तो अभी हम लोग लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं।
पटना से हम चले थे और फाइनली हम 835 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंच चुके हैं अभी आगरा, और आगरा में हमारी बस रुकी हुई है। उसके बाद हम यहां पे सारे लोग जो हैं बस के अंदर वो यहां पे खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे और फिर से यहां से बस खुलेगी। और हमारी बस की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं पीछे लगी हुई है बस, आप देख सकते हैं लोग बस से उतर रहे हैं। और सामने में ये ढाबा है जो इसके अंदर ये सारे लोग जाके खाएंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद यहाँ से फिर बस निकल जाएगी दिल्ली के लिए। अगर बस की बात करें तो यहाँ से बस का स्टॉपेज 40 से 45 मिनट की है, क्योंकि लोग खाएंगे और खाने के बाद फिर यहाँ से चलेंगे तो खाने में थोड़ी टाइम लगती है, तो उसके लिए बस जो है यहाँ पे 40 से 45 मिनट तक रुकेगी और फिर उसके बाद यहाँ से बस खुलेगी। तो यहाँ से जो बस खुलेगी उसके बाद बस का स्टॉपेज कौसाम्बी बस स्टैंड में होगा, जो कि आनंद विहार बस स्टैंड के पास है। व्यंजन ढाबा आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, और आप देख सकते हैं ऑफ़र केवल BSRTC बस के यात्रियों के लिए है। और यहाँ पे थाली की बात करें तो 110 रुपया है, और ये है वो थाली। और आलू पराठा 45 का है और कुल्हड़ चाय 10 की है। अब हम चलते हैं इसके अंदर और फिर खाते हैं और दिखाते हैं आपको। मैं अभी आलू पराठा एक खाऊंगा। यहाँ पे जो BSRTC की जो बस आती है उसके लिए रेट अलग है ना, क्योंकि बोर्ड वहाँ पे बाहर लगा हुआ था, है ना? 50 रुपये का पराठा, 45 लिखा हुआ है। नहीं, 50 रुपये का, वो 45 का था, काट के जीरो कर दिया। अच्छा, काट के जीरो किया है तो मेरे लिए 45 होगा कि 50 होगा? 50 ही आपको 50 देना पड़ेगा। तो आलू पराठा जो जो पनीर वाला है दोनों का रेट सेम ही है? पनीर पराठा 80 रुपये का, आलू पराठा 50 रुपये का। हाँ तो 50, तो साइज तो उसका बड़ा होगा। हाँ तो आता है तो देखते हैं, है ना? जब आएगा तो आप देखना। बहुत ठीक है, बढ़िया है। व्यंजन ढाबा में थे तो इनसे मैंने पूछा तो यहाँ पे जो BSRTC वाले जो हैं उनके लिए पराठा का जो रेट है वो पहले 45 था, 50 का हो गया है। तो भी पराठा आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि पराठा कितना बड़ा है या कितने साइज का है। आप मेरा पराठा जो है मैंने जो ऑर्डर किया था वो आ गया था, वो आ गया है। तो आप देख सकते हैं ये है वो पराठा, 1, 2, 3, 4 पीसेज में ये काटे हुए हैं और इस पर बटर लगाया हुआ है। मैंने जो पराठा खाया वो किसने बनाया मैं उनसे मिलाता हूँ आपको। आप देखिए ये रोशन जी हैं, उत्तराखंड से हैं, बाकी आप इनसे खुद जानिए, बताइए कुछ। मैं उत्तराखंड से हूँ, नाम है रोशन है, और यहाँ पे मैं व्यंजन में हेड कुक हूँ। हेड कुक? आप हेड हैं? हाँ जी, कुकिंग में। हाँ, क्या क्या बना लेते हैं आप? मैं ऑलराउंडर खुद बनाता हूँ। मतलब क्या 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 मेन रूप से बनाते हैं आप, बताइए। मेन इंडियन खाना जैसे शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, मिक्स वेज, दाल मखनी, अपना चाइनीज़ का आइटम, तंदूर का हो गया, सारा आइटम बनाते हैं। और आपको कैसा लगा सर यहाँ पे खाना खा के? देखिए मुझे तो पराठे खा के इनके अच्छे लगे, काफ़ी अच्छे पराठे थे और उसमें बटर लगाया हुआ था ना। हाँ, पराठे में, और पराठे में बटर भी था, तो यहाँ पे पराठे तो अच्छे हैं। मतलब जिस रेट में हम सफ़र करते हैं हाईवे के पास में है तो उसके अकॉर्डिंग तो इनका रेट सही है। 50 रुपये का एक पराठा है और उसमें बटर लगे हुए होते हैं, तो काफ़ी अच्छा पराठा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, अब खाना खाने के बाद हमारी गाड़ी यहाँ से खुल चुकी है। अब यहाँ से सीधा इसका स्टॉपेज दिल्ली कौसाम्बी बस स्टैंड में है। तो चलिए अब हम फिर से अपना सफ़र को पूरा करते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं और आगरा से हम लोग चले थे, वहाँ से नाश्ता करके खाना वाना खा के। और यमुना एक्सप्रेसवे की अगर डिस्टेंस की बात करें तो लगभग 165 किलोमीटर यमुना एक्सप्रेसवे है, और गाड़ी की जो स्पीड है वो बिहार गवर्नमेंट के थ्रू 80 पे लॉक कर दी गई है। चलिए हम थोड़ा मीटर आपको दिखाते हैं। आप सामने यहाँ पे देखिएगा तो ये बैक कैमरा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर है,
ये डोर को खोलने वाला बटन है। 80 वहाँ पे बिल्कुल आप गाड़ी जिसके लॉक है ना बिहार गवर्नमेंट के द्वारा BSRTC के द्वारा वो यहाँ पे लॉक है, आपको दिखाई दे रहा है। सामने में आप देख सकते हैं ये जेवर का टोल प्लाजा है। बात करूं मौसम की तो धूप बहुत है यार, बहुत धूप है। अभी फरवरी अभी एंड नहीं हुआ, मतलब फरवरी का आज 28 तारीख है, फरवरी ख़त्म होने वाली है, कल से मार्च शुरू हो जाएगा, लेकिन उस हिसाब से गर्मी ज़्यादा है। इस साल अगर गर्मी की बात करेंगे ना तो और सब और सालों से ज़्यादा गर्मी। यमुना एक्सप्रेस वे अब ख़त्म हो गया, इस बस की अगर हम बात करेंगे तो ये बस अप और डाउन में लगभग 700 लीटर का डीजल इसमें लगता है, और इस बस की अगर लेंथ की बात करें तो 13.7 मीटर इस बस की लेंथ है। स्लीपर की कैपेसिटी की बात करें तो इस बस में 42 स्लीपर है। और वोल्वो की अगर हम बॉडी की बात करें, क्योंकि ये पुरानी बस है, BS4 की मॉडल है ये, तो इस बस की बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो बेंगलुरु में बनी है, और बेंगलुरु में प्रकाश बॉडी बिल्डर ने इस बस की बॉडी को वेल्ड किया है। अभी तो फिलहाल वोल्वो ही बस की बॉडियां बनाने लगी हैं, वो चाहे स्लीपर हो या सीटर हो, लेकिन पहले के समय में क्या होता था कि वोल्वो जो हैं वो सिर्फ सीटर बसें बनाती थी, स्लीपर नहीं बनाती थी। लेकिन अभी का समय में जो स्लीपर का डिमांड बढ़ा, उसके बाद वोल्वो ने स्लीपर भी बॉडी बनाना स्टार्ट कर दिया है। डीजल की कैपेसिटी की बात करें तो 545 लीटर की कैपेसिटी है इस बस में डीजल की, और एड ब्लू जो है वो 60 लीटर की कैपेसिटी है उसकी। एड ब्लू एक यूरिया टाइप का होता है, लिक्विड में होता है, जो बसों के अंदर पोल्यूशन को कम करती है, लगभग ना के बराबर पोल्यूशन होता है एड ब्लू बस के अंदर डालने से। पटना से लगभग 1000 की दूरी तय करके अब हम पहुंच चुके हैं कौसाम्बी बस स्टैंड में। आप देख सकते हैं ये है बस स्टैंड की तस्वीरें, और मैं पहुंच चुका हूं। अब हमारा सफ़र यहीं पे ख़त्म हुआ, हम फिर मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए और हमारे साथ वर्चुअली हर वीडियो में जुड़ते रहिए, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। हम इसी टाइप के वीडियो आप लोग के लिए लाते रहते हैं।